वेलकम। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर्स के इस मिसलेनियस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई सबसे ऊपर है, ये सबसे बड़ा एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर का, और इसीलिए इसके ऑफिसर्स भी ऊंचे स्तर के होंगे, एग्जाम भी ऊंचे स्तर का होगा, क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर took 2 hours 30 minutes to cover 2/3 of the distance and traveling at a speed of x plus 2 km per hour he took 50 minutes to cover the remaining 1/3 of the distance. What was the total distance? देखिए, पूरे distance को 2 parts में बांटा गया है। Speed बताया जा रहा है कि x km per hour है। फर्स्ट पार्ट 2/3 डिस्टेंस को तय करने में उसमें जो टाइम लगता है वो दिया है, और रिमेनिंग 1/3 जो डिस्टेंस है उसको तय करने में जो टाइम लगता है वो दिया है। स्पीड भी x मान के x और x प्लस 2 दिया है। आप गौर कीजिए, स्पीड्स अगर दिए हुए हैं तो हम क्यों नहीं डिस्टेंसेस का रेशियो ले लें। 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को कुछ भी मान लीजिए, 2/3 1/3, रेशियो तो 2:1 ही होगा ना, 3 पार्ट्स में 2 पार्ट और 1 पार्ट। x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, x किलोमीटर पर आवर के रेट से 2 hours and 30 minutes यानी 2.5 hours में, 2.5 hour में x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये डिस्टेंस तय होगा कि नहीं, और बाकी जो पार्ट है वो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 50 मिनट्स यानी इतने आवर में x प्लस 2 किलोमीटर के रेट से इतना डिस्टेंस तय होगा कि नहीं, और ये दिया हुआ है कि नहीं कि ये 2/3 डिस्टेंस है और ये 1/3 डिस्टेंस है, दोनों के डिस्टेंस का रेशियो दिया है कि नहीं। आप गौर कीजिए, ये 5/2 है, क्या है 5/2 है और ये 5/6 है, ये x है, x प्लस 2 है इज इक्वल टू 2/1। देखिए कैंसल, ये 3 ऊपर हुआ यानी कि 3x/x+2 इज इक्वल टू 2/1। सॉल्व कीजिए, 2x 3x इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, एक्स का वैल्यू निकला 4, मतलब उसका स्पीड एक्स 4 किलोमीटर पर आवर था। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस, अभी बात करते हैं टोटल डिस्टेंस। सबसे पहली बात है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2.5 hours में कितना डिस्टेंस तय होगा, यानी 5/2 hours में कितना डिस्टेंस तय होगा, इतना, और ये टोटल डिस्टेंस का 2/3 है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। यानी 15 किलोमीटर आंसर बी। समझ में आया, आगे बढ़े। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, और ऐसे क्वेश्चंस आपने बनाए हैं। राम बाउट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी
at a total cost of rupees 8,000. He sold article A at 20% profit and article B at 20% loss, 12% loss. In the whole deal, he made no gain, no loss. At what price should Ram have sold article B to make an overall profit of 25%? सब कुछ होने के बाद कह रहा है at what price should Ram should have sold article B, B को कि कुल मिला के 25% का profit हो. Allegation का इस्तेमाल करते हैं. First method देखिए, allegation से. एलिगेशन ये दिया है कि कुल मिला के 8,000 रुपीज है कॉस्ट. दो भाग में चीजों को बांटा गया. पहले वाले पर 20% प्रॉफिट हुआ प्लस दूसरे पर 12% लॉस हुआ. ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ये लिखा हुआ है. Overall, no profit, no loss. Iska difference 12, iska difference 20. 3:5 ke ratio mein hai. Yani 8,000 ko bant dijiye. To kya hoga? Total 8 hai. 8 ka matlab 8,000 hai. To 3 ka matlab kya hai? 3,000. Aur 5 ka matlab kya hai? Rupees 5,000. Yani dono vastuein, दोनों आर्टिकल ए और बी, ए का कॉस्ट प्राइस निकला 3000 रुपीस, बी का कॉस्ट प्राइस निकला 5000 रुपीस. किसी का कॉस्ट प्राइस भी पूछा जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा आगे पूछा गया, एट व्हाट प्राइस शुड राम्स हैव सोल्ड आर्टिकल बी, बी जिसको उसने 5000 में खरीदा था 25% प्रॉफिट पर सेल करने के लिए 1/4 1250 फायदा चाहिए, यानी 6250 में इसको सेल करना चाहिए. दिस इज द आंसर. यानी आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस निकला रुपीज 5000 और 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ 1250 1/4 इसलिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ 6250. आंसर इज डी. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. आइए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिलाया गया है. कॉन्सेप्ट चाहता है, बाकी चीजें तो सामान्य है. An equal sum is invested for 6 years in scheme A, offering simple interest at X% per annum, and in scheme B for 2 years offering compound interest at 10% per annum compounded annually. The interest earned from scheme A is double the interest earned from scheme B. Had the rate of interest been X plus 2% simple interest per annum in scheme A, the difference in the interest earned from both the schemes would have been 3,960 rupees. What was the sum invested in each of the schemes? कुछ नहीं बोला गया है सर, लंबा चौड़ा. समान धन स्कीम ए और स्कीम बी में लगाया जाता है. सेम सम, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, लगाया जाता है. सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 6 इयर्स के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 ही years के लिए है. तो पहली कंडीशन में क्या निकलता है, देखिए थर्ड नंबर कि अगर हम लगाएं यहां पर 100 रुपीज और कंपाउंड में भी 100 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ये 2 years है, ये 6 years है, यहां पर x% पर एनम का रेट है और नीचे में 10% पर एनम का रेट है. 10% पर एनम के रेट से तो हम जानते हैं 10, 10 और 1 होता है, यानी टोटल 21% इंटरेस्ट होता है. ठीक है, और वहां पर 6 इयर्स के लिए है
X% पर एनम की रेट से 6 years के लिए, ये इनिशियली कहा गया। फिर आगे कहा जा रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज डबल द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी। स्कीम बी से डबल यहां इंटरेस्ट है, तो 21 है तो 42 हुआ ना, 42% अगर इंटरेस्ट है यहां पर, 42% इंटरेस्ट है यहां पर, और 6 इयर्स में है तो रेट क्या है, 7% पर एनम, यानी एक्स का वैल्यू आया 7% पर एनम। एक्स अगर 7 है तो क्वेश्चन कह रहा है हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिन एक्स प्लस 2% सिंपल इंटरेस्ट, अगर यहां पर एक्स से 2 ज्यादा होता यानी एक्स प्लस 2 होता यानी 9% पर एनम का रेट होता, तो 6 इयर्स में 9 × 6 54% इंटरेस्ट मिलता, और यहां मिला है 21, इसके बीच में गैप है 33% का, और गैप है लिखा हुआ है ₹3,960। व्हाट इज 100%, वो सम क्या था, 33 से काटिए 11 से क्या काटेंगे, दिखता है 1 और 2 0 यानी कि इनटू 120 टाइम्स 12,000 रुपीज आंसर, 12,000 रुपीज आंसर। बोलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।